हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से लोग अपने राम मंदिर में मतलब आज के दिन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितनी खुशी का दिन है। आई होप सो आप लोगों ने भी सेलिब्रेट किया ही होगा। और आज अपने मतलब घरों को डेकोरेट कर रहे हैं, रास्ते पे भी बहुत सारे भंडारे हुए हैं। और आज मैंने जैसे मैं निकल रही थी तो मैंने देखा कि रास्ते में कैसे बहुत बहुत बड़ी स्क्रीन लगा रखी है और उस पर रामायण चल रही है। बच्चे देख रहे हैं, बड़े लोग, सभी लोग देख रहे हैं उसको। तो मैंने सोचा कि आपको भी बताया दिखाया जाए, देखो किस तरीके से लोग अपने ही घर में और बाहर किस तरीके से इसको एंजॉय कर रहे हैं। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख ही रहे हैं, सामने स्क्रीन लगी हुई है पूरी और यहाँ पर लोग अपना जो है तैयारी कर रहे हैं बैठ के रामायण देखने की, दोबारा रामचंद्र जी को अपना अच्छे से समझने की। क्योंकि काफ़ी सारे लोग रामायण देख तो लेते हैं पर उनको कुछ भी नहीं पता होता है, तो कुछ लोग बोलने लगते हैं कुछ ना कुछ, मतलब मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगी ज़्यादा। और आज तो बहुत कम भीड़ है, आज मैं बस में जाने वाली हूँ अभी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि फाइनली मैं बस में आ चुकी हूँ। और बस में देखो पूरी बस खाली है, क्योंकि बस में कोई भी नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग अपनी जॉब पर आ जाए हैं, तो बहुत मतलब कम भीड़ है। और ऐसे ही रास्ते में जो है जाम लगा हुआ है, ये देखो मंदिर पे के आगे वो लोग डांस कर रहे हैं, हनुमान मंदिर है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको देखकर मुझे। और यहाँ जाम हो गया है उनकी वजह से, काफ़ी लग रहा है, तो फाइनली खुल गया जाम। अब मैं मेट्रो जाने वाली हूँ, फाइनली मैं मेट्रो आ चुकी हूँ और मेट्रो में भी इतनी भीड़ नहीं है जैसे हमेशा होती है, आज भी नॉर्मल है और अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मेट्रो में आगे मैं कम्फर्टेबल हो जाती हूँ, अच्छा लगता है। फाइनली मैं अपने घर पहुंचने वाली हूँ। देन मैं अपनी गली में आ चुकी हूँ और आप देख सकते हैं किस तरीके से गली सजाई है, सबने अपना घर सजाए हैं, झंडे भी लगाए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अब घर जाकर मैं भी अपना घर थोड़ा सा सजाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब जो है थक जाती हूँ मैं ऑफिस जाने के बाद। और ये देखिए ये किस तरीके से लाइटें उन्होंने लगाई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सच में, इतना देख रहे हैं बहुत सुंदर लग रहा है। और कुछ लोगों ने तो दिए भी लगाए हैं बाहर, ये देखो दिए लगाए हैं। फाइनली मैं अपने घर आ चुकी हूँ और ये हमने पूजा स्टार्ट कर दी है, मेरी मम्मी है, मेरा बेटा है और मैं हूँ। हमारा बेटा जो है, मम्मी मेरी भजन गा रही है, मेरा बेटा शंख बजाता है, बहुत अच्छा शंख बजाता है, तो ये शंख बजा रहा है और पूजा कर रहे हैं हम लोग। हमने भी दिए वगैरह लगाए थे और अच्छे से ठाकुर जी की पूजा की थी, लड्डू का भोग लगाया था और ठाकुर जी को प्रसाद वगैरह खिलाया था। शाम को हमने हलवा बनाया, पूड़ी बनाई थी, तो हमने अपने भगवान जी को भोग लगाया था, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था हमने ये दिन। लोगों को देखकर भी अच्छा लग रहा था और अब खुद को भी देखकर बहुत सुंदर अच्छा लग रहा था। तो ऐसे ही हमने सब में दिए लगाए थे, अपने घर में दिए लगाए थे, बाहर लगाए थे और अपने गली में लगाए थे, नीचे सीढ़ियों पर लगाए थे। और ये पौधे के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि पौधे जो है ना मेरे मतलब यहाँ आने के बाद ना कबूतरों ने खा रखे थे, तो मैंने ये इसको यहाँ लगा दिया साइड से, जैसे कबूतरों को बैठने की जगह नहीं मिलेगी तो वो नहीं खाएंगे, तो वो यहाँ पे लगा दिया मैंने पूरे लाइन से पौधे। तो आप बताना कि आपको कैसा लगा। ये देखिए पूरे में हमने दिए और कैंडल लगा के रखी हुई है। बाय बाय, गुड नाइट।